नमस्कार, सुनीतास किचन विदाउट अनियन गार्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम दोबारा खरबूजे के बीज से फिर अपनी रेसिपी लेकर आए हैं। और पहले तो हमने खरबूजे के बीजों से हमने दूध वाली कुल्फी बनाकर दिखाई थी आपको, लेकिन आज हम उसमें दूध नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ हम खरबूजे के बीज से ही कुल्फी बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इन खरबूजों को बीज को जो है छन्नी में अच्छी तरह से धोकर रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि खरबूजों को आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें और उसके बीज को भी आप चख लें कि वो कड़वा तो नहीं है। अगर कड़वा नहीं है तभी आप कुल्फी बनाना शुरू करें। और इसके बीजों को हमने देखिए नल के नीचे अच्छी तरह से ये हमने धो कर रखा है। जो उसके रेशे होते हैं वो बिल्कुल आप हटा दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उनको हटा दीजिए। फिर इसके बाद मिक्सी में इसको डालकर इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए पीस कर हमने तैयार कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे छान लेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए खरबूजे के बीजों का जो दूध होता है वो इस तरह से निकल आया है और जो उसका छिलका होता है वो इस तरह से निकल आया है। इसको हम फेंक देंगे और इसकी हम कुल्फी बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इस दूध में ये हमने बादाम लिया है, ड्राई फ्रूट आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसको हम मिक्सी के जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे और अब हम इसमें पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। हम इसको आग में या कुछ गाढ़ा नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम ऐसे ही बनाएंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिला लें। और हमने जो ये बादाम का पाउडर अभी मिक्सी में बनाकर तैयार किया था वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। तो इससे हमारा जो आइसक्रीम या कुल्फी जो भी आप इसको कहें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक चीज़ यहाँ पे हम और बताना चाहते हैं कि जैसे लोग दूध की चीज़ें नहीं खाते हैं, प्रोडक्ट वीगन होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये आइसक्रीम या कुल्फी जो भी आप इसका नाम देना चाहें दे सकते हैं। ये इनोवेटिव रेसिपी है हमारी, हमने इसको कहीं देखा नहीं है, अपने आप सोच कर हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को दे रहे हैं। सबसे पहले हमने ये बनाकर अपने घर में सभी लोगों ने खाया, सबको बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा कि ये रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया, बादाम का पाउडर ऐड कर दिया, हमने बताया ड्राई फ्रूट आप जो भी डालना चाहें उसको मिक्सी में बिल्कुल उसका फाइन पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको फ्लेवरफुल और बनाने के लिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप इसको स्किप ना करिए, जरूर डालिए। और इसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल गई हैं। अब जो भी मोल्ड आपके पास आइसक्रीम का मोल्ड हो या कुल्फी का मोल्ड हो उसमें आप जमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मेरे प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के दो मोल्ड थे तो इसमें हम जमाएंगे, आप किसी भी मोल्ड में जमा सकते हैं। और चाहे तो इस तरह से ये कागज़ के कप आते हैं इसमें भी आप जमा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मोल्ड में सिल्वर फॉइल लगा लेंगे और बीच में पिक कर हम कोई स्पून वगैरह जो लकड़ी का होता है वो हम इसमें लगा देंगे। सभी कप्स और कुल्फी मोल्ड में हमने ये सिल्वर फॉइल लगा लिया है और यहाँ पे हम इसमें जो फ्रूट्स खाने वाली फोक होता है उसको हम लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप लगा दें। अब इस आइसक्रीम को हम फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, ओवरनाइट रख देंगे, फिर हम इस आइसक्रीम को देखेंगे कि ये कैसी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए ये फ्रीजर से हमने इसको ओवरनाइट हमने रखा था, तो अब हम आइसक्रीम इसको हमने निकाल ली है, ये जमकर तैयार हो गया है और फिर इसको निकाल कर अब हम देखते हैं। और एक भगोने में पानी लेकर इस तरह से आप इसको डिप कर लें और इस तरह से करें, या तो आप अपनी हाथों से इस तरह से शेक कर सकते हैं, इसको निकाल लें। वाओ, ये देखिए कितनी अच्छी ये आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए और इसी तरह से हम कप वाले भी निकाल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए खरबूजे के बीज से हमने ये आइसक्रीम बनाई है, बिना दूध का, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क, बिना कोई और खोया मावा कोई भी चीज़ हमने इसमें डालकर नहीं बनाया है, सिर्फ हमने खरबूजे के बीज और ड्राई फ्रूट और शुगर से ये बनाकर तैयार किया है। मैंने पहले भी बताया आपको, जो वीगन है, जो डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
ये खा सकते हैं, बहुत ही इजी बन जाता है, बहुत ही आराम से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी भी है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर ही पसंद आया होगा। आप पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। फिर ऐसी ही रेसिपी अच्छी अच्छी सी लेकर हम आगे भी आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।